हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फिट आईटीआई पे। और ये राजस्थान के जूनियर इंस्ट्रक्टर यानी कि आईटीआई अनुदेशक के लिए पोस्ट आई हुई है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसका सिलेबस क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन आप सबने देख ही लिया होगा। आप सबको ये भी पता होगा कि क्या क्वालिफिकेशन है। जैसा कि आपको पता है, आईटीआई उसके साथ में सीटीआई यानी कि सीआईटीएस, साथ में आपने डिप्लोमा किया है उसके साथ में सीटीआई अनिवार्य है, या आपने बीटेक किया है तो उसके साथ में सीटीआई या सीआईटीएस अनिवार्य है। देखिए, वैकेंसी तो ये आ चुकी है। इसके सिलेबस के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर इसका सिलेबस एक बार बता दीजिए। बट अभी यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या बात करेंगे, फिटर ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कनिष्ठ अनुदेशक फिटर ट्रेड की अगर वैकेंसी देखें, नंबर ऑफ पोस्ट हम लोग देखें इसमें, तो आप देखेंगे कि टोटल जो है 243 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, 243 पोस्ट है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज तो बहुत अच्छी है। इसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रहने वाला है, अगर इसकी आपकी वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना इसके कट ऑफ का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, और साथ में प्रीवियस ईयर कट ऑफ का भी मैं वीडियो बना दूंगा आप सबके लिए, ठीक है। तो देखिए, अब इसका जो सिलेबस रहने वाला है परीक्षा का स्कीम अगर हम देखें यहाँ पे, तो कनिष्ठ अनुदेशक फिटर यहाँ पे जो आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है वो टोटल रहने वाला है दोस्त कितने नंबर का, 120 नंबर का। और समय आपको कितना मिलेगा, 2 घंटे मिलेगा। अभी आपके फिटर ट्रेड का क्या सिलेबस है डिटेल में, क्या क्या टॉपिक, जो सिलेबस इन्होंने दिया है सिर्फ आप वही टॉपिक कवर करके जाइए, आपका काम बन जाएगा। अब देखिए, इसमें दो भाग होंगे, एक भाग अ और एक भाग ब, जिसमें कि भाग अ वाला पोर्शन 40 नंबर का रहेगा, जिसमें कि जनरल नॉलेज जीके कहाँ की, राजस्थान की। तो राजस्थान की जीके आपको पढ़ के जानना है, जैसे कि राजस्थान का इतिहास है, कला एवं संस्कृति है, परंपराएं हैं, विरासत है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। ये आएगा दोस्त आपके 40 नंबर का। उसके बाद बचा आपका 80 नंबर, जो कि टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल पार्ट में आपका फिटर से सवाल पूछा जाएगा, फिटर के कौन कौन से टॉपिक रहेंगे अभी वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका फुल कोर्स स्टार्ट हो चुका है अनुदेशक बैच का, जो कि एप्लीकेशन पे आपको कोर्स मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, बेहतरीन तरीके से फिटर ट्रेड थ्योरी की कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं, उनको ज्वाइन करिए। अनुदेशक बैच नाम है अनुदेशक का, ठीक है, उस बैच को आप इनरोल करिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसको ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी होगी। अब आते हैं हम लोग फिटर के चैप्टर में। जैसे आप देखेंगे तो सॉफ्ट स्किल्स एंड सेफ्टी प्रैक्टिस, ये बच्चे छोड़ देते हैं, है ना, सेफ्टी वाला पोर्शन पढ़ते हैं लेकिन सॉफ्ट स्किल नहीं। तो सॉफ्ट स्किल बहुत बेसिक सा है, ये आपको वैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, लेकिन ये करके जाना है आपको। उसके साथ में फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स, अगर इमरजेंसी हो जाती है तो क्या रिस्पॉन्स आपको करना है। उसके बाद में हाउस कीपिंग, साथ में स्टोर कीपिंग भी होना चाहिए, है ना, जो कि नहीं है यहाँ पे, बट आपको वो भी पढ़ के जाना है ना। क्या पढ़ के जाना है, स्टोर कीपिंग पढ़ के जाना है। 5S कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, एक सवाल आपका यहाँ से बन सकता है। हेल्थ हो गया, सेफ्टी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, हॉट वर्क हो गया, है ना, वर्कशॉप में जो जो हॉट वर्क होते हैं उनके लिए अलग स्थान दिया जाता है, उसमें कौन कौन से कार्य शामिल हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। कॉन्फिडेंट स्पीड ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, ये साथ में उसके इक्विपमेंट पढ़ के जाना है। दूसरे नंबर पे आपको मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल यानी कि मापने वाले आपको औजार पढ़ के जाना है, और मापन पद्धति को पढ़ के जाना पड़ेगा, जिसमें आप मेजरिंग स्टैंडर्ड एंड मेजरिंग टूल एंड देयर यूज, मेजरिंग मेजर करने वाले औजार और उनके उपयोग के बारे में पढ़ना है। अगले नंबर पे आपको मार्किंग एंड मार्किंग टूल, मार्किंग क्या होती है यानी कि चिन्हन औजार के बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, चिन्हन औजार, है ना, स्क्राइबर पंच आप देखते हैं ना, उसके बारे में आपको पढ़ना है, तो चिन्हन औजार पढ़ के जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कॉमन हैंड टूल, कुछ हस्त औजार हैं, है ना, कुछ हस्त औजार हैं। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, ये सब आपको पता ही होगा, और ये सारा टॉपिक मैं कवर कराने वाला हूँ। तो अनुदेशक बैच जुड़िए, वहाँ से पढ़िए। वेरियस टाइप ऑफ हैंड टूल्स एंड देयर यूज़, फिर कटिंग टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज, काटने वाले कर्तन औजार, कटिंग टूल होते हैं बहुत सारे, उनके बारे में पढ़ के जाना है। जैसे कि वेरियस टाइप ऑफ कटिंग टूल इक्विपमेंट, जैसे कि आपका चीजल हो गया, फाइल हो गया, सब काटने वाले औजार है ना, तो इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। फिर आगे हम लोग बढ़ें तो आगे देखेंगे आप यहाँ पे, तो स्क्रू थ्रेड आपको पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्क्रू थ्रेड। उसके बाद आपको मेटल यानी कि धातुओं के बारे में पढ़ के जाना है, धातुओं के बारे में पढ़ के जाना है। उसके बाद प्रसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि सूक्ष्म मापी मंत्र यंत्र बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। फिर सीट मेटल, है ना, धातु चादरण कार्य, यहाँ से भी आपको एक सवाल देखने को मिल जाएगा। इसी में आपको रिवेट भी पढ़ना है, ध्यान ये भी रखना है कि सिर्फ सीट मेटल नहीं, आपको रिवेट और साथ में आपको सोल्डरिंग भी इसी में कवर करना होगा।
फिर यहाँ पे वेल्डिंग चैप्टर आपका आ जाता है, तो वेल्डिंग भी आपको पूरा करना है। वेल्डिंग में आपको कौन कौन सा करना है, वेल्डिंग के सारे टूल्स इक्विपमेंट करके जाना है, गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग, ये दो वेल्डिंग आपको पढ़ के जाना है दोस्त, है ना। उसके बाद ग्राइंडर मशीन एंड ग्राइंडिंग व्हील, है ना, ये आपको पढ़ के जाना है। गेजेस पढ़ के जाना है, टाइप ऑफ गेजेस एंड देयर यूज, अलग अलग टाइप के गेज होते हैं उनको पढ़ के जाना है। साथ में साइन बार का यूज और कैलकुलेशन मेथड भी पढ़ के जाना है, साइन बार का यूज और उसका कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने का जो मेथड होता है वो भी पढ़ के जाना है। फिर आ जाता है आपके ट्विटर की मदर यानी कि माता, जो कि है आपकी लेथ मशीन, उसके स्पेसिफिकेशन, उसका मेन पार्ट, वेरियस टाइप ऑफ लेथ, कटिंग टूल एंड एक्सेसरीज, ये सारा टॉपिक आपको कवर करके जाना है। फिर आपको मेंटेनेंस करके जाना है, टाइप ऑफ मेंटेनेंस आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसके बारे में जानिए। फिर इंस्टॉलेशन जानिए, असेंबलिंग टेक्निक जानिए। फिर आप फास्टनिंग एंड पावर टूल्स समझिए, जैसे कि आपका स्क्रू मटेरियल हो गया, साथ में आपका डेजिग्नेशन हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, टूल्स एंड टाइटनिंग लूजनिंग स्क्रू और बोल्ट हो गया, टार्क रेंच हो गया, स्क्रू जॉइंट कैलकुलेशन यूज, ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है। जैसे कि नट हो गया, बल्ट बोल्ट हो गया, वाशर हो गया, बोल्ट हो गया, की हो गया, कॉटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कवर करके जाना पड़ेगा। उसके बाद में हीट ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हीट ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। हीट ट्रीटमेंट में आपको नॉर्मलाइजिंग करना है, एनिलिंग करना है, हार्डनिंग करना है, टेम्परिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग और कार्बराइजिंग, इतने टॉपिक आप अच्छे से कवर करके जाइए। उसके साथ में सरफेस कोटिंग करके जाना है, सरफेस कोटिंग और उनके अलग अलग प्रकार, उनके क्या प्रयोग हैं, ये भी आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है बियरिंग, टाइप ऑफ बियरिंग यानी कि क्लासिफिकेशन, अलग अलग बियरिंग का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पढ़ना है। उसके साथ में उनका कौन सी बियरिंग के, कौन से प्रकार की बियरिंग का कहाँ यूज है, ये भी आपको कवर करना है। उसके बाद पाइप और पाइप फिटिंग, ये प्लम्बर का छोटा सा पोर्शन आपको करके जाना है, जैसे पाइप फिटिंग टूल्स इक्विपमेंट्स, ज्वाइंट, पाइपों की अलग अलग जो ज्वाइंट होती है उसके बारे में भी समझना है। उसके बाद पावर ट्रांसमिशन, टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन, जैसे कि आपका बेल्ट हो गया, चैन हो गया, गियर हो गया, इनको आपको कवर करके जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो गियर एंड गियर मेंटेनेंस, गियर के बारे में पढ़ना है, टाइप ऑफ गियर पढ़ना है, गियर के मेंटेनेंस के बारे में समझना है। उसके बाद पावर ट्रांसमिशन बाय गियर, जैसे स्पर गियर हो गया, हेलिकल गियर हो गया, बेवल गियर हो गया, इसके अलावा मीटर गियर, जितने भी टाइप के गियर होते हैं वो आपको करके जाना है। रिपेयर ऑफ गियर टीथ, मेथड ऑफ फिक्सिंग गियर व्हील्स, साथ में केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ वियर, यानी कि गियर का जो है आप केयर और मेंटेनेंस रख रखाव कैसे करेंगे, इसके बारे में भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर फ्लूड पावर सिस्टम के बारे में कवर करना है आपको, सिस्टम मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग कवर करना है, लुब्रिकेशन यानी कि स्नेहन, स्नेहक, ये भी कवर करके जाना है आपको। उसके बाद क्या पढ़ना है आपका, गॉज लिफ्टिंग अप्लायंस, है ना, ये पढ़ के जाना है, गेज एंड टाइप ऑफ कॉमन गेजिंग, फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करके जानी है। अगर आपको ये पूरा कंप्लीट चीज़ें अच्छे से अनुदेशक के लिए डेडिकेटेड पढ़ना है तो हमारा ये कोर्स है, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में इसकी क्लासेस यूट्यूब पे भी मैं ऑब्जेक्टिव कोशिश करूंगा कि मिल जाएँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट चैनल का ज़रूर विजिट कर लेना, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें हमारी मिल जाएंगी। बाकी इसका प्रीवियस ईयर पेपर आपको चाहिए तो प्रीवियस ईयर पेपर वो हम एप्लीकेशन को उपलब्ध करा देंगे, आप ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर जाइए, फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको इसका क्वेश्चन पेपर पिछले वर्ष जो पूछा गया था वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं हम लोग, आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को साझा करिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।